गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास फ्रॉम MCPS चैप्टर नंबर 10 एट अवर पॉइंट पार्ट 4। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज हाउ फास्ट कैन यू ऐड। हमारे पास यहाँ कुछ नंबर दिए हैं, हमें उसको ऐड करना है। तो फर्स्ट में हमें तीन नंबर दिए, 5 प्लस 5 प्लस 7। तो मैंने यहाँ एक स्केल बनाई है जिसकी हेल्प लेकर हम इन नंबर को ऐड करेंगे और जो भी टोटल नंबर आएगा वो यहाँ मेंशन करना है हमें। हमें फर्स्ट नंबर पर क्या दिया है, 5। हम यहाँ पर 5 नंबर पर जाकर पोजीशन ले लेंगे और यहाँ से 5 स्टेप आगे मूव करेंगे, 1 2 3 4 5। 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10। अब हम यहाँ, हमें सेकंड पर क्या मिला, 10। यहाँ पोजीशन लेकर 7 स्टेप और आगे मूव करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। 10 प्लस 7 इज इक्वल टू 17। इसी तरह से सेकंड, 6 प्लस 5 प्लस 4। तो हम इसको इस टाइप से भी कर सकते हैं, 6 प्लस 4 10। देखते हैं, हम हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है वहां जाकर पोजीशन ले लेंगे और वहां से 4 स्टेप आगे मूव करेंगे, 1 2 3 4। क्या आया हमारे पास, 10। अब यहाँ से 5 स्टेप आगे मूव करेंगे, 1 2 3 4 5। क्या आया हमारे पास, 15। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 15। नेक्स्ट, 9 प्लस 4 प्लस 1। तो इसी टाइप से हम फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर को ऐड कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। 10 में अगर हम 4 ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 14। इसके लिए हम स्केल का भी यूज कर सकते हैं और हमारी फिंगर्स का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 7 प्लस 3 प्लस 8। तो हम पहले 7 नंबर पर जाकर पोजीशन ले लेंगे और यहां से 3 स्टेप आगे मूव करेंगे, 1 2 3। क्या आया हमारे पास, 10। 7 प्लस 3 10। 10 में जब हम 8 ऐड करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, 18। इसमें हम फर्स्ट और थर्ड नंबर को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 10। अगर हम 10 में 3 ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 13। इसको इस टाइप से भी कर सकते हैं, 10 से हम 3 स्टेप आगे मूव करेंगे, 1 2 3। 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 13। लास्ट, 7 प्लस 5 प्लस 3। 7 प्लस 3 कितना होता है, 10। अगर उसमें हम 5 और ऐड करते हैं तो क्या आएगा, 15। 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15। इसी के साथ एक और क्वेश्चन है जो इस टाइप से है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग करेंसी नोट्स एंड कॉइन। हमें यहाँ कुछ नोट्स और कॉइन दिए हैं जिनको हमें आइडेंटिफाई करते हुए यहाँ नंबर लिखना है कि कौन सा नोट और कॉइन कितने रुपीस का है। तो हमें यहाँ फर्स्ट नोट दिया है वो कितने का है, 50। हम यहाँ क्या लिखेंगे, 50 रुपीज कॉइन। रुपीज की स्पेलिंग क्या होती है, RUPEES, रुपीज। नोट है ना ये, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, NOTES, नोट्स।
सेकेंड 2000 रुपीज, 2000 में कितने जीरो आते हैं, 3, 2000, 2000 रुपीज। थर्ड क्या दिया है हमें, कॉइन दिया है, कितने रुपीज का कॉइन है ये, 1 रुपीज। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 1 रुपीज कॉइन, 1 रुपीज कॉइन, COIN कॉइन। नेक्स्ट क्या दिया है, 20 रुपीज नोट, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 20 रुपीज नोट। ये नोट कितने रुपीज का है, 100, 100। नेक्स्ट ये हमें एक कॉइन दिया, कितने रुपीज का कॉइन है ये, 10 रुपीज, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 10 रुपीज कॉइन, INS कॉइन। इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आपको ये दोनों क्वेश्चन अपनी मैथ की नोटबुक में करना है। थैंक यू।